ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर वाई ब्लॉग। अगर आप चाय, कॉफी, ग्रीन टी के शौकीन हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक दिन के अंदर तक कितनी ग्रीन टी, कॉफी, लेमन ग्रास, कश्मीरी चाय या दूसरी चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सर्दियां आते साथ ही हम चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि हमें सर्दी के अगेंस्ट महफूज रखेगी, सर्दी से बचा के रखेगी, हमारे बॉडी टेम्परेचर को सही रखेगी और हमें ठंड नहीं लगेगी। इनफैक्ट मैंने देखा है कि बच्चों को भी कई दफ़ा दूध की जगह चाय पिलाई जा रही होती है, ये सोच के कि इनको ठंड ना लगे। तो चाय, कॉफ़ी इस्तेमाल करने के औकात क्या हैं, अगर आप यही सीख लेंगे इनको इस्तेमाल करने के असूल क्या हैं कि ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स ना दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप दिन में कितने कप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं या शॉर्ट करके बताऊं कि आप दिन में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जनाब 3 से 4 कप मैक्सिमम इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि जो असूल मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप उन असूलों को फॉलो करेंगे तो 3 से 4 कप से ज़्यादा चाय, कॉफ़ी इस्तेमाल की ही नहीं जा सकती। सबसे पहला असूल ये है कि आपने चाय, कॉफ़ी, लेमन ग्रास या जितने ये बेवरेजेस हैं इनको खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना। सो आप एम्प्टी स्टमक सुबह उठते साथ ही चाय या खाली पेट कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तेजाबियत की बड़ी वजह बनता है, आपके स्टमक को डिस्टर्ब करता है। सो पहला असूल तो ये हो गया कि आप एम्प्टी स्टमक इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा इसको इस्तेमाल करने का असूल है कि नाश्ते के 1 घंटे के अंदर अंदर इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। तो जो लोग चाय के साथ नाश्ता कर रहे होते हैं उन्हें चाहिए कि वो कम से कम 1 घंटे के बाद चाय का या कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने का तीसरा असूल ये है कि आपने किसी भी स्नैक या किसी भी मील, जैसे दोपहर के खाने या स्नैक बिटवीन ब्रेकफास्ट या लंच, अगर आप कोई स्नैक फ्रूट वगैरह लेते हैं तो उसके भी 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर इन बेवरेजेस का इस्तेमाल आप मील से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद करेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोक देगी। मतलब आप खाना तो खाएंगे लेकिन वो खाना आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा और अल्टीमेटली आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी या बहुत सारी और डेफिशिएंसीज शुरू हो सकती हैं। इसको इस्तेमाल का अगला असूल ये है कि आपने सोने से तकरीबन 6 घंटे पहले किसी भी इस तरह की ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये नींद डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो अगर आप सिर्फ इन्हीं असूलों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि हो ही नहीं सकता आप दिन में 3 से 4 कप से ज़्यादा ग्रीन टी, चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकें। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीन टी का या चाय का इस्तेमाल करेंगे या बेवक्त इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोकती है। पाकिस्तान में आयरन की कमी एक बड़ा मसला बनती जा रही है, ख़वातीन में, बच्चों में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती है और उसकी एक बड़ी वजह बनती है कि हम खाने के फ़ौरन बाद चाय पी लेते हैं। आयरन का एक अच्छा सोर्स बीफ और मटन है। बहुत सारे लोग तो अनफॉर्चुनेटली बीफ और मटन को रेगुलर बेसिस पे अफोर्ड ही नहीं कर सकते और जो लोग अफोर्ड करते हैं वो खाना खाते साथ ही ऊपर से चाय या ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सोच के कि ये खाना हजम करेगी। ये खाना हरगिज़ हजम नहीं करती। और जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि ग्रीन टी के इस्तेमाल से हमें फ़ैट नहीं लगेगा या हमें खाना नहीं लगेगा, तो मैं उनको बताती चलूँ बिल्कुल गलत बात है। ग्रीन टी फैट की एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल नहीं रोकती, तो फैट आपको फिर भी लगेगा, बस न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी, यानी आपको आयरन की कमी हो जाएगी। पहली चीज़ ये कि ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। दूसरा इसका नुकसान ये आता है कि जो टी बैग्स में चाय या कॉफ़ी या हमारे पास जो टी बैग्स के अंदर ग्रीन टी या लेमन ग्रास होती है, उनमें फ्लोराइड का कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप 3 से 4 कप फ्लोराइड, 3 से 4 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं या चाय का इस्तेमाल करते हैं टी बैग्स वाली, तो आपकी बॉडी के अंदर फ्लोराइड्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये कहीं ना कहीं फ्लोराइड टी बैग्स वाली चाय कॉफ़ी जो है वो आपकी बॉडी में फ्लोराइड को बढ़ा देती है। तीसरा नुकसान, अगर आप मिल्क कॉफ़ी या मिल्क टी का इस्तेमाल करते हैं तो ये वेट गेन कराती है। देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है पहले 6 माह दूध पर ज़िंदा रहता है, दूध में इतनी कैलोरीज हैं, आप उसके अंदर पत्ती घोल घोल के या कॉफ़ी घोल घोल के दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाय, कॉफ़ी अगर आपने पीनी भी है तो कम से कम दूध बगैर चीनी की होनी चाहिए। अगर आप चीनी के साथ और दूध के साथ चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे
तो ये वेट गेन की बड़ी वजह बनती है, जिसकी वजह से बहुत सारे और मसले मसाइल जो हैं वो हमारे शुरू हो जाते हैं। अगला इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये डिहाइड्रेशन की बड़ी वजह बनती है। डिहाइड्रेशन क्योंकि ये जितने बेवरेजेस हैं ये सारी की सारी डायूरेटिक हैं, इनको पी के यूरिन ज़्यादा आता है तो बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। जैसे हमने देखा है कि सर्दियों के मौसम में पानी हमसे पिया नहीं जा रहा होता क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, बार बार पानी पीना मुश्किल लग रहा होता है, और चाय कॉफ़ी हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से खुश्की का हो जाना, स्किन पे डिहाइड्रेशन, स्किन खुश्क हो जाना वाज़े तौर पे नज़र आता है। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आप स्किन के स्किन को फ्रेश रखें, आप न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छे से हो, आयरन की कमी आपके अंदर ना हो और आप टॉक्सिसिटी से बचे रहें, तो दिन में 3 से 4 कप चाय बहुत ज़्यादा है। और फिर ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नींद में खलल और स्ट्रेस और एंगजाइटी की वजह बनता है। अगर आप रात को या शाम को 6 बजे के बाद ग्रीन टी का या चाय का या कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ हद तक आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगी, जिसकी वजह से आप पूरी रात पुरसकून नींद नहीं ले सकेंगे। एक तो नींद आएगी टाइम पे नहीं, आएगी भी तो वो पुरसकून नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका वेट गेन और तबीयत में चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी और ये सारे मसले जो हैं आपके पूरे दिन में फिर चलते रहेंगे। तो चाय का आप इस्तेमाल करें, लेकिन जो मैंने आपको उसूल बताए हैं उनको फॉलो करके इस्तेमाल करना है। आपका चाय का इंटेक 3 से 4 कप से ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा। शुक्रिया।